चिराग पासवान अगर आए तो स्वागत है आप लोगों की तरफ खेमे में आए तो। नहीं नहीं इस पे देखिए, हर साल इफ्तार पार्टी में आए हैं, उनके पिताजी थे, लोगों का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है ना पहले। और जहाँ तक बात है, हम लोगों ने तो भाजपा तक को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों या बीच में जो पेंडुलम की तरह है, उन सब को हम लोगों ने भेजा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कल दिल्ली के ईडी मुख्यालय में पेश होना है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अभी अभी दिल्ली पहुँचे हैं। दिल्ली पहुँचकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की ओर से लगातार चुनाव से ठीक पहले इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जब तक चुनाव नहीं बीत जाता है तब तक लगातार ईडी और सीबीआई का बुलावा आता रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मामला कुछ भी नहीं है, एक ही मामला को बार बार जानबूझकर खींचा जा रहा है, जिससे विपक्षी के और विपक्ष के नेताओं पर जो है दबाव बनाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने जो आज कैबिनेट की ओर से शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर एक जो बड़ा फैसला आया है, उस पर भी उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जो हम लोग का कमिटमेंट था, उन तमाम कमिटमेंट को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान को महागठबंधन में आने को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। अरे भाई, जब से सरकार बनी तब से तो हम कह रहे हैं, कौन सी नई बात है। हमको एक भाजपा के नेता मिले थे, वो बता रहे थे कि बहुत अति कर दिया है लोग, समझ रहे हैं, तो लोग जनता देख रही है, सब जान रहे क्या है नहीं है, 24 है चलता रहेगा ये सब। अरे बात को हम कई बार बोल रहे, बार बार एक ही बात करने से कोई मतलब है। तो खैर जो भी है, हम लोग तो हर चीज़ करते हैं, लेकिन आज खुशखबरी है कि भाई जो नियमावली जो है, जो शिक्षकों को लेकर के जो थी, आज हम लोगों ने पास किया है। अब इससे जो हम लोगों का कमिटमेंट था, तो समझिए कि लगभग 3 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और राजकर्मी का दर्जा जो है वो मिलेगा। पहले अब तक शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं था, तो हम लोग नौकरी दे रहे हैं, ये लोग तंग करना चाहते हैं क्योंकि इनसे तो हो नहीं रहा है काम। अब बताइए, खैर अलग बात है। इफ्तार में जो केमिस्ट्री दिखी चिराग पासवान के साथ, अभी उसकी काफ़ी चर्चा है। जेडीयू के नेता कुछ कह रहे हैं कि आ सकते हैं चिराग पासवान अगर आए तो, स्वागत है आप लोगों की तरफ खेमे में आए तो। नहीं नहीं इस पे देखिए, हर साल इफ्तार पार्टी में आए हैं, उनके पिताजी थे, लोगों का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है ना पहले। और जहाँ तक बात है, हम लोगों ने तो भाजपा तक को, हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों या बीच में जो पेंडुलम की तरह है, उन सब को हम लोगों ने भेजा है। तो कोई आता है कोई नहीं आता। प्रधानमंत्री डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं और जिस तरह की बातें उनके लिए कही जा रही हैं, क्या आप समझ? अब हम हमसे क्यों पूछ रहे हैं क्या है, जिन पे आरोप लग रहा है उन्हीं को आके स्पष्ट कर देना चाहिए।